नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उदय प्रताप सिंह और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उदय सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चों का लाभ हो सके जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों में हैं और जिनकी स्टडी बहुत ही बाधित हो रही थी। तो हम लोगों ने वादा किया है कि आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, घर बैठे वो सारी चीज़ें देंगे जो आप लोगों को क्लास में पढ़ाई जाती थी। तो आज का मैं सेशन लेके आया हूँ फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, फ्रेजल वर्ब्स। तो मैंने फ्रेजल वर्ब में पहला वर्ड जो उठाया है वो लुक उठाया है। लुक से रिलेटेड 7 से 8 फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। NDA, CDS, बैंकिंग, एयरफोर्स, UPTET, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इसमें ये फ्रेजल वर्ब बहुत बार आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला देखिए इसमें आया है लुक आफ्टर। पहला आप लोग फ्रेजल वर्ब देख सकते हैं लुक आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है लुक आफ्टर। तो देखिए इसकी ट्रिक देखिए, लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो ऐसे याद रखिए, लुक मतलब किसी को देखना, आफ्टर मतलब बाद में, यानी कि वो जब वहाँ पर ना हो उसके बाद में उसको देखना, ठीक है। तो टू वॉच, देखभाल करना, यानी कि उस किसी की देखभाल करना। तो एग्जाम्पल देखिए, आई शैल लुक आफ्टर योर सन इन योर एब्सेंस, आई शैल लुक आफ्टर योर सन इन योर एब्सेंस। तो बिल्कुल ईजी है कि मैं आपके बच्चे की देखभाल करूँगा आपकी अनुपस्थिति में, आपकी एब्सेंस में। तो ट्रिक याद रखिए, मैंने आफ्टर को अंडरलाइन भी कर दिया है, तो लुक आफ्टर हो गया पहला। सेकेंड है लुक डाउन अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लुक डाउन अपॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा करना। अब इसकी ट्रिक समझ लीजिए, देखिए लुक का मतलब होता है देखना, डाउन का मतलब नीचे, अपॉन का मतलब होता है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो अब आपके सामने सपोज करिए कोई खड़ा है, आप उसको नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, तो यानी कि वो उसे बड़ी इंसल्ट फील होगी, आप उसे बड़ी घृणा की दृष्टि से देख रहे हो, ये आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ताकि लुक डाउन अपॉन आपको याद रहे हमेशा। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी से घृणा करना, अभोर करना, ठीक है। तो यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, आपको गरीबों से क्या नहीं करना चाहिए, आपको गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में भी ये आया है लुक डाउन अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, लुक अप। देखिए लुक अप बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लुक अप। तो लुक अप को देख लीजिए पहले, लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है, और अप का मतलब होता है टू फाइंड आउट, खोजना, ठीक है। अप का मतलब होता है ऊपर तक, मतलब किसी को ऊपर तक देखना, यानी खोजते हुए चले जाना, क्या मैटर है उसमें। तो लुकअप को याद रख सकते हैं, टू फाइंड आउट, खोजना। लुकअप दिस वर्ड इन डिक्शनरी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी वगैरह में, किसी बुक वगैरह में कोई चीज़ खोजना। कई बार आप लोग फिंगर आउट करते नहीं हो कि फिंगर से आप चेक करते ही चले जाते हो कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है, ए वाला, के वाला, टी वाला, ढूंढते ही चले जाते हो, तो उसे बोलते हैं लुकअप करना, ठीक है। तो लुकअप दिस वर्ड इन डिक्शनरी, इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला देखिए, लुक इनटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार एग्जाम में आया, बहुत पॉपुलर है लुक इनटू, ठीक है। मैं इसके आगे लिखे दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए लुक का मतलब होता है देखना, इनटू का मतलब होता है बाहर से अंदर की ओर। अब किसी चीज़ को आप बाहर से अंदर की ओर देख रहे हो, यानी कि गंभीरता से देख रहे हो, गहराई से देख रहे हो, तो इसका मतलब होता है हीड, ध्यान देना, इन्वेस्टिगेट करना, किसी को जांचना। अ कमेटी वॉज सेटअप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, अ कमेटी वॉज सेटअप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, कई बार बेटा एग्जाम में आया है ये समझ लीजिएगा, लुक इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक का मतलब देखना, इनटू का मतलब अंदर, बाहर से अंदर की ओर, यानी कि जांच करना, ध्यान देना, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, फिफ्थ नंबर है लुक फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुक फॉर, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है बेटे, लुक फॉर, देख सकते हैं आप लोग, ये लुक फॉर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्लिक भी कर दिया था, इसका मतलब होता है सर्च करना, तलाश करना किसी की। देखिए लुक का मतलब होता है देखना, फॉर का मतलब होता है किसी के लिए, किसी के लिए आप कुछ ही देख रहे हो, यानी कि आप सर्च कर रहे हो, तलाश कर रहे हो, ठीक है। ही इज़ स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, वो अभी भी क्या कर रहा है, वो एक जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल, सी वाज लुकिंग फॉर, सेकंड एग्जांपल देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी वाज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक, वो क्या ढूंढ रही थी, अपनी खोई हुई किताबें ढूंढ रही थी। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, चीज़ें कम मिल रही हैं मार्केट में, आप लोग बाहर जाते हो, पहले लुक करते हो, फिर फॉर, फॉर का मतलब के लिए, जो चीज़ लेनी है उसके लिए आप बाहर जाते हो, उसको खोजते हो, तो क्या कह सकते हैं, लुक फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट था ये एडियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लुक ऑन देखिए, अगला देखिए, सिक्स नंबर लुक ऑन, लुक का मतलब होता है देखना, ऑन का मतलब होता है पर, यानी किसी प्रोसेस पर, किसी को कंसीडर करना, मानना, उसको इस तरह देखना कि आप उसे मानते हो। आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, मैं आपको कैसा मानता हूँ, अपने भाई के जैसा मानता हूँ, लुक ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। सेवन नंबर देखिए, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ आपसे, लुक थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक थ्रू टू रिवाइज,
टू अंडरस्टैंड क्लियरली, दोहराना, समझना किसी चीज़ को। अब देखिए इसको समझने का तरीका पहले आप लोग समझ लीजिए। लुक थ्रू को देखिए, लुक का मतलब होता है देखना, थ्रू का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक। यानी कि मान लीजिए कोई बुक है, उसको आप साल भर स्टडी करते हो, लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है उस बुक को एक छोर से यानी फर्स्ट चैप्टर से आखिरी तक आप दोबारा दोहराते हो। टू रिवाइज करना, टू अंडरस्टैंड क्लियरली, दोहराना, समझना किसी को, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लुक थ्रू टू अंडरस्टैंड। इसका एग्जाम्पल देखिए, अ गुड लॉयर लुक्स थ्रू द केस बिफोर आर्गुइंग इन द कोर्ट। वैसे तो लॉयर पूरा केस स्टडी किया करता है, लेकिन कोर्ट में आर्ग्यू करने से पहले उसको वो दोबारा दोहराता है, समझता है कि इसमें क्या है, तो उसे बोलते हैं लुक थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपकी स्क्रीन पर है ये, ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, कई बार एग्जाम में आया है। और लास्ट नंबर देखिए, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, इसमें मैंने डबल वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। डबल वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पिछले 5 साल के दौरान देखा जाए ये 25 बार आया होगा कम से कम एग्जाम में, ठीक है, इसे बोलते हैं लुक फॉरवर्ड। इसके साथ एक बात याद रखिएगा लुक फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, लुक फॉरवर्ड में एक चीज़ याद रखिएगा कि लुक फॉरवर्ड जो वर्ड होता है इसके साथ टू आता है, टू के बाद हमेशा वी आई एन जी आता है, ये एक रूल भी है ग्रामर का। तो देखिए लुक फॉरवर्ड का तो मतलब मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ एक ग्रामर का रूल भी समझिए कि लुक फॉरवर्ड टू वी आई एन जी होता है। क्या होता है? वी आई एन जी। लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा क्या आता है? वी आई एन जी। वैसे तो टू के बाद वी वन आता है, लेकिन यहाँ पर टू प्लस वी आई एन जी आता है हमेशा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लुक फॉरवर्ड टू, लुक का मतलब देखना, फॉरवर्ड का मतलब आगे, अब टू का मतलब के लिए, तो फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे क्या होने वाला है वो भी हुआ नहीं है। टू वेट विथ ग्रेट ईगरनेस, बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, मतलब जो फ्यूचर में चीज़ होने वाली है, फॉरवर्ड मतलब वैसे ही होता है आगे, जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए बड़ी उत्सुकता से वेट करना। टू वेट विथ ग्रेट ईगरनेस, ईगरनेस मतलब होता है बड़ी उत्सुकता के साथ। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। देखिए मैंने मीटिंग को अंडरलाइन करके उसके नीचे वी आई एन जी भी लिख दिया है, उसके ऊपर जीरंड भी लिख दिया है। ऐसे वर्ड को जीरंड कहते हैं, वर्ब नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी जीरंड की क्लास जब आगे पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये चीज़ पढ़ाऊंगा बेटा आप लोग को। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मतलब मैं आपसे मिलने के लिए, मैं देख रहा हूँ, मैं उत्सुक हूँ बहुत आपसे मिलने के लिए। और इसी में एक और एग्जाम्पल है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, टू द विजिट ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, बहुत क्यूरियस हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक बार फिर से मैं आप लोग की स्क्रीन पर, ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। पहला था लुक आफ्टर, मतलब टू वॉच, देखभाल करना, आई शैल लुक आफ्टर योर सन इन योर एब्सेंस। सेकेंड था लुक डाउन अपॉन, अबहोर करना, घृणा करना, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। थर्ड था लुक अप टू फाइंड, खोजना, लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। फोर्थ था लुक इनटू, मतलब हीड, ध्यान देना, इन्वेस्टिगेट करना, इनटू मतलब बाहर से अंदर की ओर। आ कमेटी वॉज सेट अप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, ठीक है। लुक फॉर, मैंने ट्रिक बताई थी, फॉर मतलब के लिए, लुक का मतलब देखना यानी सर्च करना, तलाश करना। ही इज स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, ठीक है, या शी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक, वो खोज रही है अपनी खोई हुई किताबें। लुक ऑन मतलब कंसीडर, मानना किसी को। आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, मैं आपको अपने भाई जैसा मानता हूँ, ठीक है। लुक थ्रू टू अंडरस्टैंड क्लियरली, रिवाइज करना, दोहराना, समझना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये भी देखिए आपके सामने, मैंने बताया था कि अ गुड लॉयर लुक थ्रू द केस बिफोर आर गोइंग इन द कोर्ट। और एट नंबर था लुक फॉरवर्ड टू, इसमें मैंने बताया था हमेशा वी आई एन जी आता है, लुक फॉरवर्ड टू वी आई एन जी आता है, किसी का वेट करना उत्सुकता के साथ, फॉरवर्ड मतलब आगे यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए कोई चीज़ देखना। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ माई फ्रेंड, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, ईगर हूँ, बहुत उत्सुक हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। आशा करता हूँ कि लुक से रिलेटेड सारे वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।